गुरुदेव, हवन कुंड के चारों ओर दुर्वा घास से एक सर्किट जैसी रचना बनाई जाती है और वही दुर्वा यजमान अपनी अनामिका में धारण करता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? दुर्वा के बारे में ये कहते हैं, ये कुछ रेडिएशन को रोकता है। ये देखा गया है, ये बहुत हैवी तरंगों को दुर्वा रोकती है। अच्छा, किसी को बहुत सपने में वो हो रहा है, मान लो बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी कहते हैं कुछ दुर्वा अपने तकिया के नीचे रख के सो जाओ। दुर्वा दुस्वप्न नाशिनी कहा गया है। दुर्वा का एक गुण ये बताया, जैसे अलग अलग हर्ब्स के अलग अलग गुण है, जैसे आंवला का पित्त शामक कहते हैं, इस तरह से किसी चीज़ को बोलते हैं कफवर्धक, हरड़ा बरड़ा आंवला, ये त्रिफला कहते हैं, ये त्रिदोष हर होता है। ऐसे दुर्वा का गुण है दुस्वप्न नाशिनी, तो सपने को जो बुरे बुरे सपने आते हैं वो दूर करता है। फिर दुर्वा शरीर को मजबूत बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। एक्सरे में जब दुर्वा रख के करते हैं तो एक्सरे रेस उसके थ्रू पेनेट्रेट नहीं होता है, ऐसी बातें इसमें आती है। तो कुछ तो होगा, रहा होगा, दुर्वा को रखे बंधन करते हैं उसको चारों ओर। ये सब प्रथा है और क्यों करते हैं इस पे काफ़ी शोध काम करना आवश्यक है। सबसे पहले तो कोई भी यज्ञ करते हैं तो पहले बीजावापन बोलते हैं, एक मटके में मिट्टी डालकर उस मिट्टी में बीज, तरह तरह की बीज बोते हैं, वो बीज वहाँ अंकुर फूट करके छोटा सा पौधा बनने लगता है, तब यज्ञ शुरू भी तभी करते हैं, यज्ञ का एक अंग है। ये तो कहते हैं जौ बोते हैं कि नहीं, अलग अलग धान बोते हैं उसमें, नवरात्रों में भी कलश जब रखते हैं उसके साथ उसके नीचे बीज बो के ही करते हैं शुरू, वो प्राण वहाँ सिग्निफाई करता है।